हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं अपने अपने घर के ग्रोसरीज से। क्योंकि आज के वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेरे घर पे ग्रोसरीज कहाँ से ला रही हूँ अभी आजकल, और मेरी ग्रोसरी में क्या क्या आइटम्स इंक्लूडेड है मेरी ग्रोसरीज में, तो मैं वो आज बताने वाली हूँ। और साथ ही आप कौन से डेट पे शॉपिंग करें तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरा वीडियो आज का। जो चीजें मैंने अभी ऑर्डर करी है मैं वो आपको दिखाती हूँ, और कैसे रहता है कि मंथ के एंड में एक बार टॉप अप करना तो रहता ही है, कुछ ना कुछ घट जाता है और वो कुछ ना कुछ आपको लेके ही आना रहता है। बट जो चीजें मैंने अभी मंगाई है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये जो मेरी मंथली ग्रोसरी है ये मुझे दो स्लॉट में डिलीवर हुई थी, तो मैंने इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है और उसके बाद ही मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये च्यवनप्राश ऑर्डर किया था, क्योंकि आपको पता है अभी जैसा ये कोरोना फेस चल रहा है तो इसमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया है, और डाबर च्यवनप्राश ऐसे हम लोग बचपन से खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इसका ही टेस्ट सबसे अच्छा लगता है। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये अभी हम लोग एक गिलॉय जूस है जो ले रहे हैं ऑन डेली बेसिस, लाइक सुबह और शाम, आई मीन 10 ml के आसपास। तो ये मैं सबको देती हूँ, इवन मैं मेरे बेटे को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। थोड़ा कड़वा तो डेफिनेटली है पीने में, बट इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, नॉट स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोरोना टाइम, बट लाइक अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ गुड टू टेक। और इसकी एक प्लांट भी मैंने मेरे बालकनी में लगाई है, तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं बालकनी गार्डन वाली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने मंगवाया था बिग बाज़ार से, नहीं सॉरी बिग बास्केट से, और गिलोय स्टेम आया था और उनके जो मुझे यूज़ करना था स्टेम से वो मैंने यूज़ किया, और साथ ही मैंने उसका जो एक स्टेम था उसको मैंने से मिट्टी में लगा दिया और बहुत अच्छे से उसकी लीव्स आ रही है, वो मैं आपको दिखाऊँगी एक दूसरे वीडियो में। तो ये मैंने गिलोय जूस ले लिया, ये आप देख सकते हैं हनी है जो पतंजलि का है। तो ये भी मोस्टली मैं हर मंथ तो नहीं आता है, बट हाँ लाइक एवरी 2 months में तो आई नीड टू बाय 1 500 ग्राम का ये हनी। ये है वनालिया का गीर काऊ घी जो A2 मिल्क से बना है, सो दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो ये घी हम यूज़ करते हैं घर पे, और ये अमेज़ोन से बहुत सेफली आ जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैंने मंगा लिया, ऐसे जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि मैंने ये 2 slots में ऑर्डर किया था, तो कुछ मुझे एक दिन पहले आए हैं सामान और कुछ एक दिन बाद। तो ये सबको मैंने सैनिटाइज़ कर लिया था। आप भी अभी अपने घर पे जो भी सामान मंगवा रहे होंगे उसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए, डेफिनेटली कर रहे होंगे बट जस्ट ध्यान रखिए इसके लिए। और ये शैम्पू मैंने ये खादी का ऑर्डर किया है, और ये SLS और पैराबेन फ्री जिसको बोलते हैं नेचुरल एंड हर्बल है, और ये आंवला रीठा और भृंगराज इसमें एडेड है। तो ये बैंगलोर के पानी में कैसे रहता है कि बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, और मतलब आप बोल नहीं सकते हैं दिस इज़ ड्यू टू हार्ड वाटर या फिर बोरवेल का जो पानी रहता है उसकी वजह से हो रहा है या कैसे, बट हेयरफॉल तो होता ही है। सो आई एम यूजिंग दिस शैम्पू नाउ। तो ये मुझे कुछ डिस्काउंट में भी मिल गया है, और देख सकते हैं आप ये 2 की बॉटल साथ में आ गई है, आई थिंक बाय 1 get 1 है और समथिंग, वो मुझे श्योर नहीं है, बट 2 का बॉटल ये कुछ अराउंड मुझे 450 में पड़ा है। तो आप ये अमेज़ोन से देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि सारे आइटम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सप्लोर इट वंस। और ये शैम्पू हो गया, और साथ ही मैंने जो कंडीशनर लिया है वो भी खादी का ही है, और ये आर्गन ऑयल कंडीशनर है, ये भी बिल्कुल आयुर्वेदिक और हर्बल है, तो इस पर कोई भी SLS वगैरह नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू डैमेज माई हेयर एनी मोर। सो ये मैंने ले लिया है, और आप देख सकते हैं ये कुछ 395 rupees का है, बट इट्स वर्थ इट। सो
देख सकते हैं आप इसमें, इसके सारे डायरेक्शंस और ये सब लिखा हुआ है। तो दूसरे दूसरे कंडीशनर्स भी हैं, मैं डव का भी यूज़ करती हूँ, बट अभी मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही वाला कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है। और ये फ्रॉम, दिस इज़ फ्रॉम खादे इंडिया। तो ये ऐसे आता है बॉटल में और अच्छे से पैक होके आता है, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिलिंग की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो बहुत अच्छे से ये पैक करके भेज देते हैं। और ये अगेन खादी का रेड अनियन एंटी हेयर लॉस हेयर ऑयल है, तो वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें अनियन की स्मेल नहीं आती है, ये बहुत अच्छी सी कलौंजी, शायद आपको पता होगा, तो वो कलौंजी की स्मेल आती है, तो दैट्स वाई इट इज़ गुड। ये मुझे अभी सूट कर रहा है, सो आई एम यूजिंग इट एंड इट्स गुड सो फार। और जैसे कि अभी आप लोगों को पता है बाहर जाना उतना सेफ नहीं है, सो मैं मेरी सारी ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगा रही हूँ और ऑनलाइन अमेजोन से मंगा रही हूँ। और अमेजोन से जब मैं ऑर्डर करती हूँ तो मुझे बहुत डिस्काउंट मिलता है, और वो सारे लिंक जो मैंने प्रोडक्ट्स के हैं जो मैं यूज करती हूँ उसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वहां से। मैं मेरी लिस्ट बताने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में कि मैं क्या क्या चीजें अपनी मंथली ग्रोसरीज में इंक्लूड करती हूँ, बट आपके हिसाब से आप उसमें चेंजेस एडिशन करके कुछ जैसे भी चाहिए आप ले सकते हैं। और ये है दूसरे स्लॉट का सामान जिसमें आप देख सकते हैं ये मैंने चना दाल ऑर्डर किया था, तो वो मुझे मिल गया है। वो ये टाटा संपन्न का है एंड दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली अनपॉलिश, ये मैंने ले लिया है। और इसके साथ ही ये ग्रीन मूंग है जो बिल्कुल होल है, और ये रसम पाउडर जो अभी जैसे कि बारिश हो रही है यहाँ पे तो बहुत यूज़ आता है रसम बनाने के काम में, और ये टाटा सॉल्ट भी मैंने ऑर्डर कर लिया है, ये तो आना ही आना है हर महीने की ग्रॉसरीज में। और वो काला चना और किचन किंग मसाला है, ये मेरे बच्चे का टूथपेस्ट कोलगेट का ही है वो। और इसके साथ ही ये है तुअर दाल, सो ये भी अगेन अनपॉलिश्ड तुअर दाल है, ये मैंने मस्टर्ड लिया है, तो ये ब्लैक मस्टर्ड है जो जनरली हर मंथ में एक 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स का पैकेट तो आता ही है। ये सांभर मसाला और MTR का सांबल मसाला या रसम पाउडर हम यूज़ करते हैं, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है। और ये सब आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से सैनिटाइज़ किया है उसके बाद ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप भी घर पे कोई भी सामान लाएं तो सैनिटाइजेशन का पूरा पूरा ध्यान रखें, अभी वी ऑल हैव टू बी वेरी सेफ। और ये है रेड दाल, सो ये भी अनपॉलिश्ड है, तो ये रेड दाल। और ये मैंने बहुत सारा कुकिंग सोडा ऑर्डर कर लिया, आई थिंक 6 to 7 packets मैंने ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अभी कोई भी वेजिटेबल्स जो भी सब्ज़ी आ रही है उसको अच्छे से सोडे के पानी में वॉश करके ही हम यूज़ में ला रहे हैं, तो ये मैंने आई थिंक 6 to 7 packets मैंने ये कुकिंग ऑर्डर कर लिया है। तो ये अभी बहुत ज़रूरत है इसकी, तो क्योंकि कोई भी वेजिटेबल आता है तो मैं पहले तो वॉश करके रख लेती हूँ, और बनाने के पहले भी मैं इसको एटलीस्ट 30 मिनट सोक कर देती हूँ सोडा वाटर में, एंड देन ओनली आई यूज़ इट फॉर कुकिंग। और ये आशीर्वाद का आटा, ये मैंने इस बार कुछ शरबती गेहूं का आटा है तो वो मैंने ट्राई किया है लेने के लिए, जनरली मैं पिल्सबरी यूज़ करती हूँ, बट दिस टाइम आई हैव गिवन अ ट्राई टू दिस आशीर्वाद आटा, तो देखते हैं ये कैसा होता है। और ये पूजा में यूज़ करने के लिए अगरबत्ती, और ये विम सोप, ये डस्टबिन कवर्स, और ये चोको डिलाइट मिलानो की चोकोफिल बिस्किट जो मेरे बेटे को पसंद है, मुझे तो उतनी पसंद नहीं आती, ये हाइड एंड सीक की चोको रोल, और धारा मस्टर्ड ऑयल, और ये सफोला एक्टिव ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है, ये कोलगेट, और ये सबका फेवरेट मैगी नूडल्स, सो ये मैगी नूडल्स मैंने ऑर्डर कर लिया था। और इसके साथ ही थोड़ा चिप्स, बिकॉज़ अभी सब लोग घर पे हैं तो थोड़ा कभी तो मन हो ही जाता है ऐसे थोड़ा चिप्स खाएं करके, तो थोड़े से ये मैंने चिप्स के पैकेट्स ऑर्डर कर लिए हैं।
और ये विम लिक्विड, विम सोप मैं बस ऐसे इमरजेंसी के लिए रखती हूँ कि कभी सडन से अगर ये ख़त्म हो गया तो सोप चाहिए। और ये पोहा, डिटॉल हैंड वॉश, मेरे पास बॉटल है इसलिए मैं ये रिफ़िल पैक ही ले लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से फिल कर दूँ। और चाय के साथ का सबसे फेवरेट बिस्किट, सबका फेवरेट इवन मारी बिस्किट। और ये सारा सामान ऑलमोस्ट हो गया है, सो ये है। और मैंने जैसे कि अभी आपको मैं बोल रही थी कि ये आशीर्वाद आटा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अगर आपने यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ये कैसा है, क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले मैं पिल्सबरी यूज़ कर रही थी, इस मंथ ही मैंने मंगाया है ये, तो अगर आपने यूज़ किया है तो ज़रूर बताइएगा कैसा है। तो ये ऑलमोस्ट हो गई मेरे सारे मंथ की ग्रॉसरी। और जैसे कि मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा सामान कुछ कम पड़ जाता है या कुछ रहता है तो वो मैं नहीं लेती हूँ, और अगर कुछ कम पड़ जाता है मंथ एंड में तो टॉप अप के लिए रहता ही है। और मंथली ग्रॉसरी की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप एक बार देख सकते हैं वहाँ से। और इनको मैं स्टोर कैसे करती हूँ वो मैं अभी दिखाती हूँ। ये सारे एक जैसे बॉटल्स जो हैं वो उनको मैंने ऐसे अरेंज करके रख देती हूँ, और जो सामान ख़त्म हो जाता है उनको मैं फ़िल कर लेती हूँ। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ग्लास बॉटल्स जो रह जाते हैं उनको, उनके मैंने जो लिड्स हैं उनको मैंने ऐसे एक कलर का पेंट कर दिया है, सो दैट यू नो वो एक जैसे लगें। तो उनमें मैं छोटे मोटे ऐसे मसाले या कुछ थोड़ा मोटा सामान रह जाता है ना वो सब मैं इसके अंदर ऐसे भर के रख देती हूँ। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ अपने सामान को स्टोर। आई होप आपको ये स्टोरिंग आइडियाज़ पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप शॉपिंग करेंगे अमेजोन से फर्स्ट से लेके सेवेंथ ऑफ एनी मंथ, बहुत डिस्काउंट मिलता है। और वो सारे लिंक जो मैंने प्रोडक्ट्स के हैं जो मैं यूज करती हूँ उसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वहां से। आई होप आपको ये मंथली ग्रोसरी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।